हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है और इससे पहले इसके 10 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट 10th लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के लिए कैलकुलेशन की थी। तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट या परपेंडिकुलर टू द सीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेट। कंटिन्यू, वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 1। कुछ प्रॉब्लम्स हम यहां पर इससे रिलेटेड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू पैरेलल सरफेस, सीट्स ऑफ सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर आर अपार्ट एट 0.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। दीज आर अपोजिटली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज 55 वोल्ट पर मीटर। देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच सीट और ईच सरफेस। ये क्वेश्चन आपके पास पुटअप होता है कि टू पैरेलल सीट्स है और दोनों अपोजिटली चार्ज है, दोनों का एरिया 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, वो एक दूसरे के पैरेलल रखी है कितनी डिस्टेंस पर, 0.5 मीटर डिस्टेंस पर। उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिडिल में 55 वोल्ट पर मीटर है, तो आपको चार्ज निकालना है। तो कंडीशन ये है कि आपके पास ये एक तरीके से एक सीट ये और सेकंड सीट ये, सपोज दैट इज प्लस, then the charge on this seat will be minus, equal and opposite charge, there is plus sigma, there is minus sigma, electric field between them, there the electric field due to this plate
सपोज करो दैट इज पी वन एंड दैट इज पी टू, तो ड्यू टू पी वन प्लेट दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन वेक्टर ई वन, एंड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट पी टू दैट विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन ई टू. सो ई वन एंड ई टू बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एट मिडिल पॉइंट, सो वी कैन से देयर ई इक्वल टू ई वन प्लस ई टू इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंप्लाइज दैट क्यू इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट, ई इज 55, ए इज 1 एंड एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3275 आएगा, 27 इसका कैरी हो जाएगा, ये फिर 440 और 27 तो 467, तो 46 और फिर ये 440 और 46 तो 486 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम, और 4.8675 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम, और 4.87 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये आपके पास जैसे चार्जिंग सीट से चार्जिंग प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चन था. ओके, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है. एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम, अ पार्टिकल ऑफ मास 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सीट, इज प्लेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉरिजॉन्टल सीट, हॉरिजॉन्टल सीट चार्ज डेंसिटी ऑन द सीट इज, चार्ज डेंसिटी ऑन द सीट इज 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर. How much should be the charge on the particle so that, how much should be the charge on the particle so that it should be not fall, so that not fall when it left freely. ये एक क्वेश्चन है. एक सीट है, सीट के ऊपर एक पार्टिकल रखा है, ये कोई भी पार्टिकल, उसका मास दे रखा अपने को, और इस पार्टिकल पर ये चार्ज पूछ रहा है, व्हाट विल बी द चार्ज, सो दैट इफ वी लेफ्ट फ्रीली इट देन इट डज नॉट मूव. मतलब आपके पास कैलकुलेशन यहां पर ये क्लियर
इस तरीके से आती है कि दैट इज सीट। That is charge sheet. And there is a particle. The electric field intensity due to sheet will be in this direction. So, but their mass m, if freely, then the force mg. Force mg means gravity force taking it downward. जो gravity force है वो इसे कहाँ लेकर आएगा? Downward लेकर आएगा। अब हम चाहते हैं कि ये rest पर रहे, तो rest पर कब रहेगा? जब कोई another force इस पर इस तरीके से लगे कि वो force upward direction में और इस force mg के equal लग जाए। तो यहाँ पर electric field ये है, तो upward direction में जो force लगेगा वो होगा QE, इलेक्ट्रिक फोर्स। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल और फॉर रेस्ट ऑफ पार्टिकल, ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फोर्स एट प्रेजेंट वर्टिकली अपवर्ड वर्क कर रहा है। तो ये आपके पास हो गया एम जी इक्वल टू क्यू ई। क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, मास इज एम एंड चार्ज इज क्यू ऑफ दिस पार्टिकल, ऑलरेडी वी कंसिडर this. तो mg equal to qe, e produced by seat and that is sigma upon 2 epsilon naught. So mg equal to q sigma upon 2 epsilon naught. Our question is charge on the particle means q. तो यहां से solve करने पर q is equal to 2 mg epsilon naught upon sigma. ये आपके पास Q की वैल्यू आ जाती है। यहां पर आप Q इक्वल टू 2 इंटू एम मास ऑफ द पार्टिकल, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम, तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ऑल्सो, बिकॉज इट इज इन ग्राम एंड वी यूज इन किलोग्राम, इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन सिग्मा, सिग्मा इज द 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, सो देयर विल बी कैलकुलेटेड क्यू इक्वल टू 9 टू जा 18 और 5 से ये मल्टीप्लाई ये कैंसिल होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 18 इंटू 1.77, ये 5 से कैंसिल होगा तो 1.77 इंटू 10 टू पावर 5 एंड 3 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 और माइनस 6 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस 6 होगा, तो देयर विल बी 10 टू पावर माइनस 14 ऑन सॉल्विंग इट 18 7 जा 126 कैरीज 12 फिर 187 जो 126 और 12 138 केरी इज 13 एंड दैट इज 31, सो 31.86 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, दिस पार्टिकल। अगर ये चार्ज उस पार्टिकल पर है तो 8% वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, यानी कि उसको फ्रीली लेफ्ट करने के बाद भी वो पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे पास इसमें आता है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, इन एक्स वाई प्लेन, इन
एक्स वाई प्लेन, देर इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 5×10⁻¹. देर इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी −16 कूलाम पर मीटर स्क्वायर ऑन अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज शीट. ऑन अ लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, चार्ज सीट अ सर्क्यूलर लूप ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, अ सर्क्यूलर लूप ऑफ रेडियस 0.1 मीटर makes an angle of 60 degree, makes an angle of 60 degree with z axis. What is flux passing through this loop? What is इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप? ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है. अब आपके पास ये एक्स वाई प्लेन में सीट की हुई है, रखी हुई है. जैसे आप ये यहां पर सपोज करो ये एक्स ले लेते हो और ये वाई ले लेते हो, तो ये जो सीट है ये एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है. ये सीट, चार्ज सीट आर प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन. ओके, अब एक्स वाई प्लेन में अगर ये प्रेजेंट है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. और ये जो लूप है सर्कुलर लूप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है? जेड डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल. ये जो सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप, ये इस जेड डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये एरिया इसका परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर लूप का. तो परपेंडिकुलर जब एरिया होता है तो एरिया की जो डायरेक्शन आएगी वो जेड डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी. सर्कुलर लूप का जो एरिया होगा वो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. अब ये खुद 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका जो एरिया है वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर लूप इज फाई इक्वल टू ई ए कोस 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री, बिकॉज 60 डिग्री केवल उस सरफेस का, या यूं कह दीजिए कि उसका जो प्लेन है सर्कुलर लूप का जो प्लेन है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. और सर्कुलर लूप का जो एरिया होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वो जेड डायरेक्शन के साथ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा. ओके, तो ये यहां पर. और ई जो हमारे पास आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर कोस 30. तो ये यहां
फाइव इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा हमारे पास गिवन है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 3.14 इंटू आर, आर इज 0.1 0.1 इंटू 0.1 और कोस 30 इज रूट 3/2 सो दैट विल बी इंप्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू 5 से ये मल्टीप्लाई होगा 15.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 माइनस 1 और माइनस 1 तो माइनस 18 अपॉन 2 टू जा 4 और 4 5 जा 20 2 4 8 जा 32 और 2 34 3 32 और 3 35 35.40 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू रूट 3 ऑल्सो. नाउ सोल्व इट 157 डिवाइड बाई 354 157 में 354 का हम डिवाइड दे देंगे तो ये हमारे पास पॉइंट और 4 टाइम्स होगा एक अप्रोक्सीमेट तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे 0.4 रूट 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर. रूट 3 की वैल्यू 1.732 रखकर और आगे इसे कैलकुलेट किया जा सकता है. तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ड्यू टू या थ्रू सर्कुलर लूप कैलकुलेट होती है. और ये माइंड में रखना है कि प्लेन और एरिया किसी भी सरफेस का, किसी भी प्लेन का जो एरिया होता है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो फिर एरिया 30 डिग्री का एंगल बनाएगा. 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री. ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 10 टू पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फायर्ड normally in the uniformly charged plate from 5 mm distance दिया 5 mm from 5 mm. कैलकुलेट मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेट सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्ट्राइक द प्लेट. कैलकुलेट मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी सो दैट इलेक्ट्रॉन do not strike two plate. क्वेश्चन है, एक प्लेट है, ये कोई भी एक प्लेट है, ये इस प्लेट के नॉर्मली ये चार्ज प्लेट है, इस चार्ज प्लेट के नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन 5 mm डिस्टेंस से, ये 5 mm डिस्टेंस से और
एनर्जी देकर भेजा जाता है और वो एनर्जी है 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसको काइनेटिक एनर्जी दी जाती है। अब यहां ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इस सीट से स्ट्राइक ना कर सके, तो कब स्ट्राइक नहीं करेगा, इसकी तो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। तो हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, इफ द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्ट्राइक द प्लेट। मतलब जो प्लेट अपना इतना वर्क डन करे, अपने प्लेट के कारण इतना फोर्स प्रोड्यूस हो और वो फोर्स इतना वर्क डन कर दे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहां तक तो पहुंच जाएगा बट इससे स्ट्राइक नहीं करेगा। तो हम इसमें यही कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं कि फॉर नॉट स्ट्राइकिंग, फॉर नॉट स्ट्राइकिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी। वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी और काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिटर्न बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल। सो 1.6 इंटू 10^-19 इंटू एफ, एफ इक्वल टू ई इंटू डी एंड ई इक्वल टू देयर, ये 10^3 1.6 इंटू 10^-19 और ये 1.6 इंटू 10^-19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड डी इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन 5 mm, 5 × 10^-3 मीटर। दैट 1.6 इंटू 10^-19 कैंसिल आउट एंड सिग्मा इज इक्वल टू 10^3 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5 × 10^-3 दैट इज 10^3 इंटू 8.85 इंटू 10^-12 एंड 5 × 10^-3। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1.77, ये कैंसिल आउट होगा इससे और इंटू 10^-6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 10^-3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो +3 तो +6 और ये 10^-12 में से +6 जब माइनस होगा तो 10^-6 और यू कैन से 1.77 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो दैट इज द मिनिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन टू प्लेट सो दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एनर्जी 10^3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डू नॉट स्ट्राइक इट, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूसिंग बाय प्लेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। देर आर सम न्यूमेरिकल्स अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स बेटा।